दोस्तों कई बार चंड चालाक लोग भी अपने ही बुने जाल में उलझ जाते हैं और जब वह उलझते हैं तो आसानी से निकलने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं होता। एक पढ़ी लिखी बहू ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बहुत परेशान किया। जब वह परेशान होते थे तो बहू को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब बहू पर यह दाव उल्टा पड़ गया और बहू खुद मुसीबत से निकलने के रास्ते तलाशने लगी। दोस्तों हमारे देश में कोई भी सरकारी योजना हो और या फिर अधिनियम, वह जरूरतमंद लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि कई गैर जरूरी लोग भी उनका खुलकर दुरुपयोग करते हैं। यह चालाक बहू की कहानी बेहद रोचक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दहेज प्रथा की। वास्तव में दहेज आखिर है क्या? इसे यदि कम शब्दों में परिभाषित करें तो पुत्री के विवाह के अवसर पर उसके पिता द्वारा दामाद को खुशी खुशी किसी संपत्ति का, नगदी का व अन्य वस्तुओं का दिया जाना दहेज की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन लड़के पक्ष के दबाव या अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर देना दहेज की श्रेणी में आता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए दहेज निषेध अधिनियम बना हुआ है और उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। सभी जानते हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है और इसका एक विकराल रूप है, लंबा इतिहास भी है। समाज में ही इसका जन्म हुआ और समाज ही इसको समाप्त भी कर सकता है। दहेज निषेध अधिनियम के भी दो पहलू हैं, एक सदुपयोग, दूसरा दुरुपयोग। कई लोग इसका सदुपयोग करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उन्हीं के लिए यह कानून बना है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। चालाक बहू की कहानी इस कानून का दुरुपयोग करने को लेकर ही है। दोस्तों सामाजिक कारणों से इस कहानी में नाम और स्थान तो नहीं दे रहा, लेकिन कहानी है 100% बिल्कुल सच। करीब 10 साल पहले एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि पेशे से डॉक्टर होती है, शादी के बाद वह अपनी ससुराल आ जाती है। ससुराल के शुरुआती दिनों में वह बेहद खुश रहती है। ससुराल पक्ष के लोग भी बेहद खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहू के तौर पर एक पढ़ी लिखी और डॉक्टर बहू मिल गई थी। वक्त बीतता है और वक्त के साथ बहू की ससुराल में अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि बहू को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि उसके सास ससुर और देवर उसकी आज़ाद जिंदगी में बाधा पैदा करते हैं। अब ऐसे में बहू अपने सास ससुर और देवर को सबक सिखाने की सोचती है और मन ही मन वह ठान लेती है कि इन लोगों को वह ऐसा सबक देगी कि वह पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाएंगे। ऐसा वह सिर्फ सोचती नहीं है बल्कि करती भी है और एक दिन अपने सास ससुर व देवर के विरुद्ध गलत बयानबाजी करके झूठे आरोप लगाकर एक मुकदमा पंजीकृत करा देती है। इस सच को सास ससुर भी जानते थे, सब ये गलत है। बहू भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसने झूठा ही मुकदमा लिखाया है, लेकिन अफसोस इस बात का था कि कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। हैरानी की बात यह थी कि उसका पति उसके साथ होता है और पति के विरुद्ध वह किसी कार्रवाई के लिए नहीं लिखती। वक्त बीतता रहता है, नाते रिश्तेदार बैठते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाता। धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं। लगातार 9 साल बुजुर्ग सास ससुर ने परेशानियों का सामना किया, देवर ने परेशानियों का सामना किया, उन लोगों ने अदालत के लगातार चक्कर लगाए, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद का चिराग रोशन था कि बहू गलत है और सच की जीत होगी, एक दिन उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ऐसा हुआ भी, जब फैसले की बारी आती है तो बहू ऐन वक्त पर आरोपों से मुकर जाती है। सास ससुर और देवर के विरुद्ध कोई साक्ष्य भी अदालत को नहीं मिलता। जब ऐसा होता है तो माननीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में सास ससुर और देवर को बाइज्जत बरी कर दिया, साक्ष्यों के अभाव में हालांकि बरी किया। इसके साथ ही जो सबसे खास बात इस मामले में रही वह यह रही कि बहू व उसके पति के विरुद्ध गलत बयानबाजी करने व गलत आरोप लगाने के मामले में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने व कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। ऐसा भी होता है और बहुत बार देखा भी गया है, जब अधिनियम का गलत दुरुपयोग किया जाता है कई लोग इसका अपने हक में पूरे तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं। वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह गलत कर रहे हैं और ससुराल पक्ष के लोग भी जानते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोई सुनवाई तत्काल नहीं हो पाती। एक समय आता है जब सच से पर्दा भी उठ जाता है और पता लगता है कि उन पर सारे लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत थे, लेकिन इस दौरान वह जिन परेशानियों का सामना करते हैं, सच जानिए, उनकी कोई भरपाई नहीं हो पाती। किसी भी अधिनियम का इस तरह से गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपनी सोच को बदल देना चाहिए,
क्योंकि उनके ऐसा करने से कई बार वास्तविक रूप से जिनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है और वह प्रकाश में अपने मामले लेकर आते हैं तो उनको भी संदेह की नज़र से देखा जाता है। क्योंकि कोई भी अधिनियम हो या फिर योजना, वह सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही बनी होती है, ना कि ऐसी मानसिक विकृति वाले लोगों के लिए जो उसका बेवजह और नाजायज ढंग से किसी को सताने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक बात तो आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि किसी भी अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले लोगों को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।